श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 398 परिच्छेद 68। दक्षिणेश्वर में गुरु रूपी श्री रामकृष्ण समाधि में ईश्वर दर्शन और परमहंस अवस्था। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में राखाल, लाटू, मणि, हरीश आदि भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। दिन के 9 बजे का समय होगा। रविवार 23 दिसंबर 1883 अगहन की कृष्णा नवमी है। मणि को गुरुदेव के यहाँ रहते आज 10 दिन पूरे हो जाएंगे। श्री मनोमोहन कौन नगर से आज सुबह आए हैं। श्री राम कृष्ण के दर्शन और कुछ विश्राम करके आप कलकत्ता जाएंगे। हाजरा भी श्री राम कृष्ण के पास बैठे हैं। नीलकंठ के देश के एक वैष्णव आज श्री राम कृष्ण को गाना सुना रहे हैं। वैष्णव ने पहले नीलकंठ का गाना गाया। भावार्थ। श्री गौरांग की सुंदर देह तप्त कांचन के समान है। वे नवनटवर ही हो रहे हैं, परंतु वे इस बार दूसरे ही स्वरूप से अपने पहले के चिन्हों को छिपाकर नदियां में अवतीर्ण हुए हैं। कलिकाल का घोर अंधकार दूर करने के लिए तथा उन्नत और उज्जवल प्रेम रस प्रकट करने के लिए तुम इस बार श्री कृष्णावतार की नीली देह को महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा की तप्त कांचन जैसी उज्जवल देह से ढककर आए हो। तुम महाभाव में समारूढ़ हो, सात्विक आदि तुम में लीन हो जाते हैं। उस भावास्वाद के लिए तुम जंगलों में रोते फिरते हो, इससे प्रेम की बाढ़ हो आती है। तुम नवीन सन्यासी हो, अच्छे तीर्थों की खोज में रहते हो। कभी तुम नीलाचल और कभी वाराणसी जाते हो। अयाचकों को भी तुम प्रेम का दान करते हो। तुम्हारे इस कार्य में जाति भेद नहीं है। एक दूसरा गाना उन्होंने मानस पूजा के संबंध में गाया। श्री राम कृष्ण हाजरा के प्रति यह गाना कैसा कैसा लगा। हाजरा, यह साधक का नहीं है, ज्ञान दीपक, ज्ञान प्रतिमा। श्री राम कृष्ण मुझे तो कैसा कैसा लगा। पहले के गाने कैसे ठीक ठीक होते थे। पंचवटी में नागा के पास मैंने एक गाना गाया था, जीवन संग्राम के लिए तू तैयार हो जा, लड़ाई का सामान लेकर काल तेरे घर में प्रवेश कर रहा है। एक और गाना, ए श्यामा, दोष किसी का नहीं है, मैं अपने ही हाथों द्वारा खोदे हुए गड्ढे के पानी में डूबता हूँ। नागा इतना ज्ञानी था, परंतु इनका अर्थ बिना समझे ही रोने लगा था। इन सब गानों में कैसी यथार्थ बात है। नरकांतकारी श्रीकांत की चिंता करो, फिर तुम्हें भयंकर काल का भी भय न रह जाएगा। पद्मलोचन मेरे मुंह से राम प्रसाद का गाना सुनकर रोने लगा, पर था वह कितना विद्वान। भोजन के बाद श्री राम कृष्ण कुछ विश्राम कर रहे हैं। जमीन पर मणि बैठे हुए हैं। नौबत खाने में शहनाई का वाद्य सुनते हुए श्री राम कृष्ण आनंद कर रहे हैं। फिर मणि को समझाने लगे, ब्रह्म ही जीव जगत हुए हैं। श्री राम कृष्ण, किसी ने कहा अमुक स्थान पर हरि नाम नहीं है, उसके कहते ही मैंने देखा वही सब जीव हुए हैं। मानो पानी के असंख्य बुलबुले, असंख्य जलबिंब उस देश से बर्दवान आते आते दौड़कर एक बार मैदान की ओर चला गया, यह देखने के लिए कि यहाँ के जीव किस तरह खाते हैं और रहते हैं। जाकर देखा मैदान में चींटियां रेंग रही हैं, सभी जगह चैतन्यमय है। हाजरा कमरे में आकर जमीन पर बैठ गए। श्री राम कृष्ण, अनेक प्रकार के फूल
तह के तह पंखुड़ियां, यह भी देखा छोटा बिंब और बड़ा बिंब। ईश्वरीय रूप दर्शन की ये सब बातें कहते कहते श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो रहे हैं, कह रहे हैं, मैं कुआ हूँ, मैं आया हूँ। यह बात कहकर ही एकदम समाधिस्थ हो गए, सब कुछ स्थिर हो गया। बड़ी देर तक समाधि के आनंद में मग्न रह लेने पर कुछ होश आ रहा है, अब बालक की तरह हंस रहे हैं, हंस हंस कर कमरे में टहल रहे हैं। अद्भुत दर्शन के बाद आंखों से जैसे आनंद ज्योति निकलती है, श्री राम कृष्ण की आंखों का भाव वैसा ही हो गया है, सहास्य मुख, शून्य दृष्टि। श्री राम कृष्ण टहलते हुए कह रहे हैं, बट तल्ले के परमहंस को देखा था, इसी तरह हंसकर चल रहा था, वही स्वरूप मेरा भी हो गया क्या? इस तरह टहलकर श्री राम कृष्ण अपने छोटे तख्त पर जा बैठे और जगन माता से बातचीत करने लगे। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, खैर मैं जानना भी नहीं चाहता, माँ तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति बनी रहे। मणि से क्षोभ और वासना के जाने से ही यह अवस्था होती है। फिर माँ से कहने लगे, माँ पूजा तो तुमने उठा दी, परंतु देखो मेरी सब वासनाएं चली न जाए। माँ परमहंस तो बालक है, बालक को माँ चाहिए या नहीं? इसलिए तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बच्चा, माँ का बच्चा माँ को छोड़कर कैसे रहे? श्री राम कृष्ण ऐसे स्वर से बातचीत कर रहे हैं कि पत्थर भी पिघल जाए। फिर माँ से कह रहे हैं, केवल अद्वैत ज्ञान, थू थू, जब तक मैं रखा है तब तक तुम हो। परमहंस तो बालक है, बालक को माँ चाहिए या नहीं? मणि आश्चर्यचकित होकर श्री राम कृष्ण की यह देव दुर्लभ अवस्था देख रहे हैं। वे सोच रहे हैं, श्री राम कृष्ण अहेतुक दया सिंधु है, मुझ में विश्वास उत्पन्न हो, चैतन्य जागृत हो और जीवों को शिक्षा प्राप्त हो, इसीलिए गुरु रूपी श्री राम कृष्ण की यह परमहंस अवस्था है। मणि और भी सोचते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, अद्वैत चैतन्य नित्यानंद, अद्वैत ज्ञान होने पर चैतन्य प्राप्त होता है, तभी नित्यानंद का लाभ होता है। श्री राम कृष्ण की केवल अद्वैत ज्ञान की नहीं, नित्यानंद की अवस्था है। जगदम्बा के प्रेम में सदा विभोर हैं, मतवाले से। हाजरा श्री राम कृष्ण की यह अवस्था देख हाथ जोड़कर कहने लगे, धन्य है, धन्य है। श्री राम कृष्ण हाजरा से कह रहे हैं, तुम्हें विश्वास कहाँ है? तुम तो यहाँ उसी तरह हो जैसे जटिला और कुटिला व्रज में थी लीला की पुष्टि के लिए। तीसरा प्रहर हुआ। मणि अकेले देवालय के निकट निर्जन में टहल रहे हैं और श्री राम कृष्ण की इस अद्भुत अवस्था के बारे में सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, श्री राम कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि क्षोभ और वासना के जाने से ही यह अवस्था होती है? यह गुरु रूपी श्री राम कृष्ण कौन है? क्या भगवान स्वयं ही हमारे लिए देह धारण कर आए हैं? श्री राम कृष्ण तो कहते हैं कि ईश्वर कोटि अवतार आदि के अलावा दूसरा कोई जड़ समाधि निर्विकल्प समाधि से लौट नहीं आ सकता।